मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की किसी भी मीटिंग में अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का ट्रैक किस तरह रख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं और करके देखते हैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को ट्रैक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिवअवे एयरपोर्ट 2 का, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री में एयरपोर्ट 2 को जीत सकते हो। तो उसको पार्टिसिपेट करने के लिए ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और जल्दी से जाइए और कीजिए पार्टिसिपेट और जीतिए चांस एयरपोर्ट 2 को जीतने का। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं स्टूडेंट की अटेंडेंस को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अटेंडेंस को ट्रैक किस तरह करना है आपको दिखाने के लिए मैंने एक पहले से मीटिंग क्रिएट करके रखी हुई है, जिसमें मैं ऑर्गेनाइजर हूं और रमन कौर और टी सिंह मेरे स्टूडेंट हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह हम इन दोनों की अटेंडेंस का ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो मेरे पास दो हैं आपको दिखाने के लिए, आपके पास आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिसकी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर तीन डॉट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करो तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिए डाउनलोड अटेंडी लिस्ट है, तो आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास किस तरह इसकी अटेंडेंस आएगी, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए टी सिंह जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कुछ टाइम के बाद इस मीटिंग को लीव कर गए, तो उसके बाद उन्हें थोड़ी देर बाद फिर से इसे ज्वाइन कर लिया, तो उसका रिकॉर्ड भी इस लिस्ट में आपको मिलेगा कि किस तरह होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं एक बार टी सिंह के अकाउंट में जाके उसे लीव कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए टी सिंह है वो मेरी इस मीटिंग को छोड़ चुके हैं, तो अब हम इन्हें फिर से ज्वाइन करवाते हैं। तो यहां पर देखिए ये फिर से मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं इस मीटिंग में। तो चलिए अब हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं कि किस तरह कौन कौन सा बच्चा आपकी मीटिंग में कब ज्वाइन हो रहा है, कब लीव कर रहा है, इसका एक एक डिटेल आपको मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर तीन डॉट पर जाकर यहाँ पर डाउनलोड अटेंडी लिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए मैं अपनी उस फाइल को जहाँ पर मेरी डाउनलोड हुई है उसे देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने फाइंडर में जाता हूँ और फाइंडर में मेरे पास डाउनलोड में वो फाइल पड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर मेरे पास यहाँ पर ऊपर देखिए टाइम हुआ 5:30 और 5:29 पर मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया था। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका रिकॉर्ड मेरे पास किस तरह आया, जैसे कि मैंने कब ज्वाइन किया, मैंने इस मीटिंग को इस टाइम पे ज्वाइन किया और यहाँ पर रमन कौर ने इस टाइम पे इसको ज्वाइन किया। तो यहाँ पर देखिए टी सिंह का जो ज्वाइन है, ज्वाइन बिफोर, इन्होंने 5:23 पर ज्वाइन किया और उसके बाद देखिए फिर उन्होंने लेफ्ट किया 5:28 पर, तो फिर उन्होंने फिर से ज्वाइन किया 5:28:37 पर। तो इस तरह से आपके पास एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा और उसकी टाइमिंग आ जाएगी किस टाइम उन्होंने ज्वाइन किया और किस टाइम उन्होंने लेफ्ट किया। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन अपनी लाइव मीटिंग के दौरान माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपने स्टूडेंट की अटेंडेंस को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाने की कोशिश करता रहता हूँ। और जाते हुए सब्सक्राइब कर दबा के और की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालू आपके पास पहले पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो जेन्युइन में अच्छी लगती है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।